आदेश अनुसार 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई, लेकिन इंद्री की अनाज मंडी में 2 अप्रैल को दोपहर तक भी खरीद शुरू नहीं की गई। तो दोपहर बाद किसान नेता सुरेंद्र सिंह, रिंकू कलसोरा, सुमित सहित कई किसान मंडी में पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खरीद जल्द ही सुचारू रूप से शुरू नहीं की गई तो किसान शनिवार को मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। जबकि मार्केट कमेटी द्वारा 250 किसानों को मंडी में गेहूं लाने का मैसेज भेजा गया, 2 गेट पास काटे गए और दोपहर बाद 90 क्विंटल की खरीद की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के हल्का उपप्रधान सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मंडी में कई किसानों का गेहूं आया हुआ है, लेकिन अभी तक भी प्रशासन द्वारा खरीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मंडी में सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा आदि व्यवस्था चरमराई हुई है। मंडी प्रशासन का समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भारी पुलिस बल को साथ लेकर शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब शक्ति प्रदर्शन तब दिखाया जाता है जब वह लोगों के बीच से निकलेंगे। उप मुख्यमंत्री लोगों से छुप छुपा के गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसी प्रदेश में सरकार है वैसी व्यवस्था मंडियों में की गई है। वही किसान क्लब कलसोरा के प्रधान रिंकू ने बताया कि मंडी में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई और अगर यही व्यवस्था बनी रही तो वे शनिवार को मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खोखले दावे कर रही है, मंडी में खरीद करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उधर मार्केट कमेटी सहायक सचिव सरजैट सिंह ने बताया कि मंडी में गेहूं लाने के लिए 250 किसानों को मैसेज दिया गया था, जिसके बाद 2 किसान गेहूं लेकर आए और उनका गेट पास काटा गया। उन्होंने कहा कि मंडी में जो गेहूं आई हुई है वो पोर्टल के हिसाब से नहीं है, इसलिए उसकी खरीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में करीब 9 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी और अब की बार 8 से 9 क्विंटल गेहूं खरीद की संभावना है। आज एफर्ट की खरीद है तो हमारी सेक्टर साहब नहीं आए यहाँ पे, अरुण की कल मार्केट वालों ने, इन्होंने मार्केट कमेटी वालों ने बताया भाई कल या परसों तक नए सेक्टर की पोस्टिंग हो जाएगी, काम सुचारू रूप से चल जाएगा। आज एफर्ट का बारदाना भी बन चुका है और जो गेहूं आई हुई है उसमें मोक्चर थोड़ा ज़्यादा है, 14 से ऊपर है तो उसमें थोड़ी ही दिक्कत आती है। कोई भी मोक्चर की डेरी हो तो वजन कल को वजन कम हो जाता है तो आरती का वजन कम होगा, तो ये थोड़ी सी कहीं दिखते हैं शुरू में आते ही है, मौसम के हिसाब से 3-4 दिन में मौसम भी ठीक हो जाएगा, गेहूं के भी आएंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नए जो आएंगे वो उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, तब सुचारू रूप से काम मंडी का चल जाएगा। तो पहले कितना मोक्चर था, अब क्या सरकार के था? पहले 14 मोक्चर था, अब 12 हैं। पहले के मोक्चर के हिसाब से तो लगभग 1-1% वो था भाई, चलो धूप पड़ती है 1-2 घंटे की, 3 घंटे की धूप लग के अपना तैयार हो जाती। अब 2.5-3% का फर्क है, 3-3% का, तो अब के मौके उसमें तो नॉर्म्स में तो है नहीं अभी, तो 1-2 कट लगेगा इसका। वो तो गवर्नमेंट के कट का भी प्रोविज़न है, पर गेहूं फिर गिल्ली गेहूं तो फिर दिक्कत होती है बैग में। कुछ बारदाना भी जूट का नहीं है, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के में मोक्चर रहता ही है। तो क्या अपील करना चाहोगे किसानों से, किस प्रकार की फसल लेके आना? किसानों से तो यही है भाई, अपना सूखा माल ले आए, 2-3 दिन ना कटवाएं। मौसम जैसे ही लू चल रही है, थोड़ी सी तेज हवा, 2-3 दिन में गेहूँ पूरी पक कर तैयार हो जाएगी, अपना मौसम तभी गेहूँ लाए, तभी फायदा है जब सूखी गेहूँ हो, ताकि आगे भी दिक्कत ना आए लेबर को, किसी और को, सब मंडी में दिक्कत आती है, फिर फैलाएंगे यहाँ पे पड़ी रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। ताकि गेहूँ जैसे ही पक्की बढ़िया गेहूँ आए और अपना झरना पंखा जो भी लगे सरकार अपना ले। प्रधान ब्लॉक केंद्रीय, जैसे कि खरीद नहीं हो रही है, नहीं, कल भी हम इसी के लिए खरीद के लिए कल SDM के पास गए थे, SDM जी को ज्ञापन भी दिया, उन्होंने बोला था भाई शाम को कल 4 बजे तक आपके पास कट्टे आ जाएंगे और आपकी खरीद स्टार्ट हो जाएगी, एफेड की खरीद है कल भी और आज भी, पर कल का बोला हुआ SDM का, आज भी यहाँ पर कोई इनका अधिकारी नहीं आया है, आज भी कोई खरीद नहीं हुई है, 3 दिन से ये जमींदार यहाँ पे है। आज करनाल में भी ऐसा ही हुआ है, करनाल में अंदर नहीं जाने दिया, आज हमारे नेताओं ने वहाँ पे धरना स्टार्ट कर दिया है इनके आगे, ऑफिस के आगे, और अगर ये आज हमारी नहीं करते खरीद तो कल इंद्री जो यूनियन है उसकी तरफ से यहाँ पे धरना स्टार्ट किया जाएगा इनके दफ्तर के आगे। उप मुख्यमंत्री भी कुछ मंडियों पे दौरे करता है तो क्या? उप मुख्यमंत्री के दौरे करने का तो इस टाइम वैसे वक्त है नहीं है, वो जानबूझ के अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहता है, पर उसको पता नहीं है शक्ति प्रदर्शन तब दिखाया जाता है जब लोगों के बीच से निकले, लोगों से छुप छुपा के गाड़ियों में फिर रहा, 200-200, 300-300 गाड़ी आगे पुलिस की है, वो कोई प्रदर्शन थोड़ी है उनका।
लोगों के साथ अगर मिलोगे तभी सरकार बनेगी, वरना ऐसे थोड़ी सरकार आ जाएगी। तो क्या मांग है? मांग तो यही है भाई, जो ये जमींदार है इतने दिन से परेशान है, ये कोई आपकी वेट थोड़ी करेंगे भाई, मेरे पास मैसेज आएगा तब मैं गेट पास कटवाऊंगा। कुछ गाँव में ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, जैसे चौगावा है, नगला है, तो वहाँ पे भी उनका क्या होगा जी, उन पे कोई मैसेज नहीं जाएगा क्योंकि उनकी ऑनलाइन चकबंदी नहीं है। उन्होंने गांव में पटवारियों ने एक कागज बना के दिया भाई, हम आपकी खरीद करवा देंगे। कैसे करवा देंगे जब मैसेज नहीं जाएगा, कैसे वो गेहूं के ले आएंगे? प्रशासन की ओर खरीद की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की कुछ नहीं है, यहाँ का जो अधिकारी ही नहीं आया है, जो मेन होता है सेक्ट्री, अधिकारी नहीं आया तो अधिकारी के बिना कहाँ पे खरीद हो जाएगी जी, हो ही नहीं सकती। मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी सरकार है, जैसी सरकार है उसने ऐसी व्यवस्था मंडियों में बना रखी है बिल्कुल। जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 1 तारीख से मंडी में खरीद चालू हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि ये 3-4 दिन से यहाँ हमारे गेहूँ की ढेरी पड़ी है और किसी प्रकार की मंडी में खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे भी आज एफड की खरीद का दिन था, लेकिन किसी प्रकार का अब तक कोई बारदाना, कोई खरीद अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा, और इस सरकार के सारे खोखले दावे हैं। सरकार जो पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर खातों में पेमेंट दे देंगे, 1.5-2 महीने कोई पैसा नहीं आया। इन लोगों का तो बयान देते हुए ये नहीं सोचते भाई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद की कितनी गरिमा होती है और सारी दुनिया इनको देखती है, लेकिन ये तो अपना पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं, कोई भी बात इनकी सही नहीं होती और सारी बातें झूठी होती हैं। और 1 तारीख का जो उन्होंने टाइम दिया था, उसको 31 तारीख को या 30 तारीख को उन्होंने यहाँ मंडी में हर प्रकार का खरीद का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार का आप देख सकते हैं कोई इंतजाम नहीं आया। ये हमारे अंकल जी यहाँ 3 दिन गेहूँ लेके आए, अपनी खाट और अपना बिस्तर अपना साथ में लेके आए, यहीं लेट रहे हैं, और कोई भी अधिकारी अब तक उनकी सुध बुध लेने हैं, खरीदने हैं, किसी प्रकार का बारदाना यहाँ नहीं पहुँचा है। अनदेखी हो रही है किसान की, किसान की अनदेखी तो आप देख सकते हैं, अभी सरकार के द्वारा दिए हुए टाइम के अनुसार भी यहाँ पहुँच रहे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई बारदाना नहीं, कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं, इससे ज़्यादा अनदेखी क्या होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा, सरकार को तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है, किसी का कोई डर है अपनी जुबान का या अपने पद की गरिमा का, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जो ये कहते हैं तो उसका किसी प्रकार का भरोसा नहीं करा जा सकता, इतने बड़े पद पर बैठकर जो आदमी बोला तो उसको तो सारा दुनिया सारा संसार देखा, लेकिन इन्होंने तो पता नहीं आज कुछ कह देते हैं अगले दिन कुछ कहते हैं। 15 दिन से हमारे डिप्टी सीएम घोषणा कर रहे 1 तारीख से खरीद होगी, 1 तारीख से खरीद होगी, ये 3 तारीख आ चुकी है आपके सामने, ये 1-2 डेरी मंडी में आई, अब तक तो 1 किलो की भी यहाँ तुलाई नहीं हुई और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कल एक देखते हैं इनकी आज की, वेट करते हैं, अगर कल भी किसी प्रकार की यहाँ ढिलाई हुई तो हम यहाँ सड़क पर दर्जन देंगे और अपनी खरीद की मांग करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रिंकू कलसोरा, प्रधान किसान क्लब, और ये मेरे अपने परिवार। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक